हाय गाइस, तो क्या हाल है भाइयों, फिर से एक और नई वीडियो में स्वागत है सभी का। तो गाइस, मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन पार्ट्स में नहीं मतलब तीन अलग अलग एंगल्स में। तो सबसे पहला है हमारा स्टेमिना टाइप के साथ फाइट करना है, इसकी ये भी एक स्टेमिना टाइप है। तो ये है गाइस हमारा सिल्वर वुल्फ, आज इसकी फाइट करेंगे। जितने भी अभी तक बेब्लेड एक्स के बेब्लेड लॉन्च हुए उन सबसे, कुछ बेब्लेड रह गए होंगे क्योंकि मेरे पास नहीं है वो, लेकिन बाकी सबसे ठीक है। तो सबसे पहले स्टेमिना टाइप्स चूज़ किए मैंने, उसके बाद में बैलेंस टाइप्स, और गाइस उसके बाद में सारे अटैक टाइप्स, यानी कि सब बट गया भाइयों ठीक है। तो सबसे पहले स्टेमिना, फिर बैलेंस, सॉरी स्टेमिना और डिफेंस, फिर बैलेंस, और उसके बाद में सारा कुछ ठीक है। तो देखते हैं यार क्या रहता है, क्या बैलेंस टाइप जीतेंगे या फिर अटैक टाइप्स या फिर स्टेमिना टाइप्स और डिफेंस टाइप दोनों ठीक है, या फिर ये मार लेगा बाची सबसे ही। इसके ओरिजिनल कॉम्बो में यूज़ कर रहा हूँ मैं, और स्ट्रिंग लॉन्चर यूज़ करेंगे जब तक ये जीत रहा है, हार गया तो डबल लॉन्चर यूज़ कर लेंगे एक बार के लिए। ओके, सबसे डेडलीस्ट कॉम्बो और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बो बेब्लेड एक्स सीरीज का, जो कि हमको डायरेक्ट मिलता है भाई। एंड इसके तोते उड़ा दिए भाई। अरे चिचा, ये देखो ये कस्टम कॉम्बो है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे पार्ट्स के साथ आता है भाई, लेकिन हार गया भाई इसने, हमारे सिल्वर वुल्फ ने तोते से उड़ा दिए इसके। हाँ गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, इस वीडियो का लाइक एमाउंट रखते हैं 1500 लाइक्स का, पता नहीं होंगे या नहीं, बट कर दो यार, मजा आ जाता है देख के। सिल्वर वुल्फ हमारे वुल्फबर्ग के लिए कर दो एक ठीक है। ओके, नेक्स्ट है शिनोबी शेडो, इससे करना थोड़ा सा डेंजरस रहता है, स्टेडियम के तोते उड़ा देगा ये। ओके, लेट्स सी बर्स्ट होगा या फिर बर्स्ट करेगा, और दिवाली चल रही है गाइस तो पटाखे भी बजेंगे, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और हाँ एक चीज़ और, थोड़ा गला ख़राब है मेरा, तो वो भी मैनेज कर लेना यार। कुछ कर नहीं पाऊँगा मैं उसके लिए। ये एक यूएक्स बेब्लेड है शिनोबी शेडो, वो भी एक यूएक्स बेब्लेड है, तो देखते हैं यार क्या रहता है। मेरे को लगता है शिनोबी के तोते उड़ गए हैं। एंड हाँ गाइस, शिनोबी के तोते उड़ गए हैं, अभी तक दो बेब्लेड्स आए हैं, दोनों ही जीत गए हैं भाई, सॉरी दोनों ही हार गए हैं, ये जीत गया है वाइवरॉन गेल। लेट्स सी, आओ चिचा। ओ भाई ये क्या है, क्या नशे कर रहा है, सस्ते नशे भाई। सबसे बेकार बैटल हुई है यार ये वाली तो, भाई साहब ये क्या था भाई, वो लड़ना ही नहीं चाहता था उससे। ओके, नेक्स्ट जो बेब्लेड है गाइस वो है, क्या नाम था इसका, कुछ तो है यार, जो भी है स्पिनिक्स क्लो ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं अजीब सा नाम है इसका, डिफेंसिव टाइप है ये। एंड ये जीत सकता है भाई, इसके पास थोड़ा सा इसका जो मेटल व्हील है, मेटल जो भी कह लो इसका फ्रेम, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है भाई, तेज अटैक कर सकता है वो, बहुत ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ सा है, लेकिन बैटल ही नहीं हो रही भाई, बहुत ही ज़्यादा स्लो बैटल हो रही है। अरे यार मेरे को स्टार्टिंग में अटैक टाइप से करना चाहिए था, लेकिन हम लास्ट में करेंगे इस, पूरा मजा लेंगे अटैक टाइप्स के सामने, क्योंकि अटैक टाइप्स इसके तोते से उड़ा देंगे भाई। लेकिन हाँ स्टेमिना और डिफेंस टाइप्स मेरे ख्याल से इसकी कोई कमजोरी नहीं है, बाकी देख लेंगे। ओके, ये है डिफेंस टाइप नाइट लांस, लेट्स सी लांस चिचा क्या कर पाता है। काउंटर अटैक, काउंटर अटैक चिचा, कम ऑन काउंटर अटैक कर दे, कर तो रहा है भाई, देखो हिल रहा है बुरा बुरा, क्या ये बाहर कर पाएगा हमारे सिल्वर बुल्फ को, वो हमको देखना पड़ेगा भाई। मुझे नहीं लगता भाई, ये सबको हरा रहा है यार, डिफेंस और स्टेमिना वालों को तो, इवन मैं उसको पहले लॉन्च कर रहा हूँ फिर भी। तो भाई बेब्लेड अच्छा है ये वाला, ये तो मान सकते हैं हम, बट अटैक टाइप्स के सामने क्या करेगा वो मुझे नहीं पता। राइनो होन, बहुत ही हल्का बेब्लेड, और पहले मेरा फेवरेट होता था ये, लेकिन अब आजकल ये जीतता नहीं है यार, पता नहीं, वो मारता तो बहुत तेज है अभी भी, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता है गाइस, बुरा हाल बना देता है भाई सामने वाले का, ये देखो बस वही है, लो वेट की वजह से खुद ही हार जाता है। नाइस, 6 बेब्लेड्स को लगातार हरा दिया है यार इसने, और क्या लोगे इससे, बस ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं नहीं चाहता इतनी लंबी वीडियो करना। ओके गाइस, नेक्स्ट जो बेब्लेड है नाइट शील्ड, बेस्ट डिफेंस टाइप लियोन क्रेस्ट के बाद शायद, कम ऑन, ओ मार तो रहा था मेरे ख्याल से, जो करना चाहता था वो हुआ नहीं बेचारे से, मुंह की खानी पड़ गई यार।
अमोन राइट शील्ड लियोन की वाइब्स देता है भाई ये पूरा पूरा। नाइस भाई, मानना पड़ेगा यार सिल्वर वुल्फ एक बेब्लेड से नहीं हारा अभी तक, और मैं उसको पहले लॉन्च कर रहा हूँ। ये अच्छा था, लेकिन हारने के बाद में कोई अच्छा नहीं है भाई। अगर उसका 1% हेल्थ भी बचता तो जीत जाता वो, लेकिन बंद होने के बाद में बस्ट हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, वाइपर टेल हमारा चीचा, ये आता है बोल बिट कुछ स्मॉल बोल ऐसा कुछ सीन है इसका। ओ हाँ बेटे, आते ही मार रहा है ये तो, बाहर कर सकता है भाई हमारे वुल्फ को, और बस्ट भी कर सकता है क्योंकि उसकी हाइट बहुत लंबी है यार, ऊंचा है वो, 80 है उसकी हाइट। कुछ भी हो सकता है गाइस, देखना ये है कि विजेट रोड के सामने क्या होगा, क्योंकि वो इकलौता है जो इससे जीत सकता है। पिछली बार भी हरा दिया था उसने कल की वीडियो में, तो कह सकते हैं कि एक टाइप से हमारा विजेट रोड अभी भी थोड़ा सा स्ट्रोंग हो सकता है। लेकिन लगातार इन रो 8 बेब्लेड्स को हरा चुका है, ये कमाल ही हो गया यार। लियोन क्रेस्ट, लेट्स सी, डिफेंस टाइप। कमोन लियोन चिचा, दिखा दे क्या है तू। ये बाहर मारेगा भाई, मेरे को लग रहा है, फीलिंग आ रही है। अभी तक कोई बेब्लेड बाहर नहीं कर पाया है इसको, कमाल की बात ये है। और अभी तक ये लगभग सारे बेब्लेड से ही स्टेमिना में जीता है, लगभग सबसे ही, वाइवरोन को छोड़ के, एंड इससे भी स्टेमिना में ही जीतेगा भाई। सर्वाइवल फिनिश, नाइस भाई। ये बेब्लेड बहुत ज़्यादा स्टेबल है यार, बाकी बेब्लेड्स के लिए बहुत स्टेबल है। नाइस, ओके अब बारी है विजर्ड एरो से करने की। स्टेमिना बीस्ट फिलहाल था, अभी शायद सिल्वर वुल्फ या विजर्ड रोड में से कोई हो सकता है। अगर इसको हरा दिया तो बात अलग है लेकिन थोड़ा सा कठिन है गाइस, कुछ भी हो सकता है। ये ब्रो एंड विजर्ड रोड की बारी आने वाली है, देखते हैं वो क्या करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारा एरो कुछ कर पाएगा। देखो भाई कितना स्टेबल हो गया वो टक्कर खाते ही, और एरो टक्कर खाते ही लड़खड़ा गया है। नाइस, चलो इतना भी वन साइडेड नहीं हारा, थोड़ा सा किया भाई। 10 बेब्लेड इन रो, मतलब 10 बेब्लेड के तोते उड़ा दिए इसने बिना हारे नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब मेरे को पता है ये जीतेगा, लेकिन ड्यूअल लॉन्च करेंगे तब देखते हैं क्या रहता है। विजर्ड, ओह शिट, थोड़ा सा लेट हो गया गाइस, और थोड़ा सा लेट भी बहुत मायने रखता है इन बेब्लेड्स में। लेट्स सी विजर्ड रोड जीतेगा, इकलौता बेब्लेड जो थोड़ा सा पोटेंशियल रखता है स्टेमिना में इससे जीतने का। क्या फिर ये एक बेस्ट व्हील बन जाएगा अभी टूर्नामेंट्स में, ये भी देखना होगा भाई। क्या ये विजर्ड रोड के तोते उड़ा सकता है भाई, कमाल ही हो जाएगा अगर इसने ये कर दिया तो। लग नहीं रहा मेरे को कहीं से भी विजर्ड रोड का जो बैलेंस है ना भाई, उसका मुकाबला नहीं कर सकता है सिल्वर वुल्फ। देखना होगा बाकी, ड्यूअल लॉन्च करेंगे अभी। यप, विजर्ड रोड इकलौता है भाई जो इसको जीत हरा सकता है यार, क्लियरली। कम ऑन सिल्वर, कुछ कर भाई, जीत जा। ये ब्रो, कम ऑन कुछ कर ना, कुछ ही डिफरेंस रहता है भाई थोड़ा बहुत ही। ओके 3-2-1 हो जाए शुरू। इनवैलिड गाइस, ये नहीं मानेंगे हम, हमको फाइट चाहिए डिटेल वाली भाई, जिसमें तड़क भड़क हो दोनों की तरफ से। ओके 3-2-1 हो जाए शुरू। चिचा, विजर्ड रोड चिचा हारेगा क्या? चिचा क्या लगता है भाई, क्या विजर्ड रोड हारेगा या फिर सिल्वर वुल्फ? देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि सिल्वर वुल्फ गया, तो एक लोता बेब्लेड 10 बेब्लेड के बाद में जो जीतेगा, या फिर नहीं जीत जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मोहन ना, सिल्वर गया। ओके गाइस, तो विजर्ड रोड अभी भी बेस्ट है। नाइस
विजय रोड ने दिखा दिया भाई, वो चिचा है सबका। ओ बेटे, एक लोता विनर, नाइस। ओके अब आ रही है बैलेंस टाइप्स की। ये वैसे स्टेमिना टाइप है शायद, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, बट थोड़ा सा बैलेंस टाइप भी है क्योंकि इसकी टिप अटैक टाइप भी है, इसलिए तो इसको देखते हैं अभी। ओके सिल्वर, दिखा दे अपनी शक्ति। इसीलिए कह रहा था थोड़ा सा बैलेंस टाइप है ये, कर लेता भाई, अटैक भी कर लेता है फिनिक्स रडर, लेकिन इसका स्टेमिना अच्छा है। देखना ये है कि सिल्वर वुल्फ के सामने कितना अच्छा रहेगा। दोनों ही यूएक्स बेबलेट्स हैं, तो ये भी थोड़ा कहानी अलग है। इसका जो चिचा है, इसका प्रीवियस वर्जन, वो मेरे को ज़्यादा पसंद है इससे तो। एंड गाइस, कुछ चमत्कार किया था, बट इन दी एंड सर्वाइवल फिनिश सिल्वर वुल्फ के हाथ में, नाइस। ओके अभी तक एक ही बेबलेट जीता है महाशय से। बारी है हेल्स हैमर से करने की। आओ रे चिचा, वीडियो लंबी हो गई रे। हेल्स हैमर आते ही चमत्कार दिखाते हुए लेकिन हारते हुए गाइस। हेल्स हैमर, कम ऑन हेल्स हैमर, नहीं कर पाया भाई। एंड द विनर इज सिल्वर वुल्फ। भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। ओके नेक्स्ट करते हैं यूनिकॉर्न स्टिंग से। काफ़ी अच्छा बेबलेट है और काफ़ी अग्रेसिव कह सकते हो इसको। ओ चिचा। ओके दोबारा करते हैं भाई, इनको लॉन्च करने में क्या फील आती है। यूनिकॉर्न स्टिंग थोड़ा सा लो है इसकी हाइट, तो उड़ा सकता है छक्के इसके। क्या कर रहा है भाई, पूरा स्टेमिना खत्म कर दिया बिना बैटल के आराम करने। एंड इसी के साथ यूनिकॉर्न स्टिंग भी मुंह की खाते हुए गया भाई, ये भी गया। ओके तीन बैलेंस टाइप, एक भी नहीं जीता। नेक्स्ट है लियोन क्ला। लेट्स सी ये क्या करता है। मारता तो बहुत तेज है ये, थोड़ा सा वेट इसका कम है इसलिए शायद ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाए, बट इसकी हाइट कम है तो बर्स्ट कर सकता है ये। और इसने बहुत सारे अटैक रैचेट पे करे हैं, लेकिन रैचेट पे ना होके इसके फ्रेम पे अटैक हुए हैं वो, जो कि ये फ्रेम एब्जॉर्ब कर लेता है भाई। और चौथा बैलेंस टाइप भी ख़त्म हो गया। ये है वॉइस टाइगर, ड्रिगर का कुछ रीमेड कह सकते हो इसको, ये वोल्बोर का रीमेड है, ये देखते हैं। ओके यूनाइट टिप मॉन, अटैक कर दे, अटैक कर दे भाई। कैसे जीत रहा है यार सिल्वर वुल्फ। इसका फ्री स्पिनिंग ड्राइवर काम आ रहा है या फिर इसका फ्री स्पिनिंग फ्रेम काम आ रहा है, मेरे को ये नहीं पता चल रहा, बट कुछ तो काम आ रहा है गाइस, क्योंकि ये हार नहीं रहा किसी से। ओके एक लोता बेबलेट जिसने इसको हराया है वो विजर्ड रोड है अभी तक, कमाल है चूंकि। हेल्स चेन ये देखते हैं, इसके पास है हाई टेपर। ओ चिचा, क्या टेपर हाई वाला जीत जाएगा या फिर सिल्वर वुल्फ अपना स्टेमिना बचा के एंड में टिक ही जाएगा। एंड जवाब है शायद एंड तक टिक जाएगा भाई। भाई कोई नहीं जीत पा रहा यार इसको, मैं पहले लॉन्च कर रहा हूँ फिर भी। बारी है ड्रोन्जर की गाइस, ये भी एक बैलेंस टाइप है, टेपर के साथ आता है, इसको देखते हैं। मोन ड्रोन्जर ब्रो, चमत्कार दिखा दे ड्रोन्जर, फ्लेम अटैक कर दे भाई ड्रोन्जर एस। कुछ नहीं कर पाया ड्रोन्जर गाइस, काफ़ी लो वेट है इसका भी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट वेबलेट्स में आता है। इसके बाद है ड्रिगर, वो देखते हैं क्या झंडे गाड़ेगा। इतना टिक गया वो भी बड़ी बात है यार, नाइस ड्रोन्जर नाइस। बैलेंस टाइप में लास्ट बेबलेड ट्रिगर, इसके पास है पॉइंट बिट। ओह शिट, पॉइंट नहीं है क्या, नहीं है फ्लैट पॉइंट ऐसा कुछ, पॉइंट ही है शायद। ये नहीं जीतेगा भाई, रुको इसकी दोबारा करेंगे, मेरे ख्याल से मैंने लॉन्च नहीं किया इसको अच्छे से, नहीं जरूरत पड़ेगी भाई, इसने तो कुछ अलग ही चमत्कार कर दिया गाइस। और इसकी 1% हेल्थ बची हुई थी, जीत गया भाई ड्रिगर, कमाल है।
किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ड्रिगर जीत जाएगा भाई, लेकिन उसने उड़ा दिए वोल्बोर्ग के तोते। ओके, बारी है अटैक टाइप्स की गाइस, जो कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा अभी इसके लिए, भाई साहब के लिए। ओके, सबसे पहले स्पिनिक्स क्लो, ऐसा कुछ नाम है इसका, ये एक अटैक टाइप कॉम्बो है, इसलिए मैंने इसको अटैक टाइप में रखा है। देखते हैं क्या करता है। कुछ कर, कुछ नहीं किया। स्पिनिक्स क्लो के तोते छोड़ गए। अटैक टाइप पहला पानी पीते हुए गाइस। नेक्स्ट बेब्लेड जो कि होगा शार्क एज। ओ भाई क्या दो अटैक किए हैं यार पहले आते ही, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया क्योंकि रैचिट पे अटैक नहीं कर पाया। नाइस, और मेरे ख्याल से इसका ओरिजिनल कॉम्बो ही है ये शायद, तो बट गया गाइस, शार्क एज भी गया। नेक्स्ट बेब्लेड ग्रैंड ड्रैगर, इसका स्टैमिना थोड़ा ज़्यादा है, अटैक थोड़े से छोटे अटैक्स होते हैं इसके। देखते हैं भाई, ग्रैंड डैगर लो मैंने लॉन्च किया है ताकि रैचिट पे अटैक कर पाए, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई, मुझे ये नहीं पता ड्रिगर ने कैसे कर लिया वो, बट ड्रिगर ने कर दिया गाइस। बाकी बेब्लेट्स अभी भी फेल ही हो रहे हैं, दो बेब्लेट जीते हैं यार, कमाल की बात तो ये है, इसको मैं पहले लॉन्च कर रहा हूँ सब में, हद हो गई। हो गया, एक मिनट, ओ हाँ ड्रिगर जीत गया यार, ठीक है कोई बात नहीं, ड्रिगर से दोबारा करनी चाहिए लेकिन नहीं करेंगे। ड्रैन बस्टर, सॉरी ड्रैन स्वॉर्ड गाइस, भाई इसके रैचिट पे अटैक नहीं हो पा रहा यार, सारा फ्रेम झेल रहा है इसका, जिसकी वजह से अभी तक बर्स्ट नहीं कर पाया इसको कोई भी, लियोन उसको ड्रिगर को छोड़ के। ये है गाइस फिनिक्स विंग, बेस्ट बट वर्स्ट भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होता है, ये बाहर चला जाता है। ओहो भाई काफ़ी लो अटैक करने की कोशिश करी लेकिन इन दी एंड हार ही गया भाई, ठीक है। ओके गाइस, लास्ट बेब्लेड, लास्ट सेकंड बेब्लेड ड्रैन बस्टर, ये देखते हैं। ड्रैन बस्टर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव, ये पिछली बैटल में जीत गया था, क्या दोबारा जीतेगा, क्या जीतेगा ड्रैन बस्टर? भाई मार तो रैचिट पे ही रहा है लेकिन शायद लग नहीं रही, एंड ड्रैन बस्टर हारते हुए गाइस। आहा भाई कल जीत गया था ये लेकिन आज हार ही गया इन दी एंड। ओके गाइस, बात कुछ ऐसे है, लास्ट बेब्लेड है जो कि है ड्रैगून, और ये लॉन्चर अपने आप ही ठीक हो गया भाई, पता नहीं कैसे, थोड़ा सा खींचा मैंने और ठीक हो गया। ओके कोबाल्ट ड्रैगून, अबे अरे ये क्या था भाई, ड्रैगून कैसे, रुको गाइस दोबारा करते हैं, वैसे तो जीत गया ड्रैगून बट देख लेते हैं यार, ड्रैगून ने कुछ अलग ही कर दिया यार, ये तो चमत्कार कर दिया। ओके ड्रैगून अटैक, ओ भाई सेम अटैक दो बार, नाइस। तो गाइस ये था सिल्वर वुल्फ, एंड तीन बेब्लेड्स जीते हैं भाई, लगभग 30 बेब्लेड थे, 30 तो होंगे शायद, रुको मैं देखता हूँ कितने हैं, 26 बेब्लेड्स में से सिर्फ तीन बेब्लेड जीते हैं भाई, तो ये हाई टीयर बेब्लेड हो सकता है यार, मतलब ये जीत जाएगा, सबसे खतरनाक आदमी है गाइस ये, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, बताओ कैसी लगी, बताओ कैसा लगा सिल्वर वुल्फ, कैसा लगा भाई इसका पावर, नेक्स्ट लेवल था ये। ओके बाय बाय गाइस।